As was announced earlier, Alhamdulillah we have Shaykh Sayyid Anwar amongst us. So inshallah he will be addressing us. His experience inshallah. Um, please do stay back and inshallah and benefit from the talk inshallah. Merci. में ना आम का सीज़न आता है तो लोग आम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं खाते बहुत है। हर चीज़ का सीज़न होता है ना आम का सीज़न होता है तो ये तखबे का सीज़न है और अल्लाह ताला ने बहुत सस्ता किया हुआ तखवा ये कैमरा बंद कर देना बस इसमें तो बहुत मैं आए हैं माशा आगे अगर मोबाइल पर जन्नत मिली तो बहुत बड़ी जन्नत मिली इतने बयानत उसको तो ये सीज़न है तकबे का अल्लाह ताला में सबको तकवा था फरमाए नसिन करी अभी ये नौजवान कारी ने कुरान पढ़ा इतना खूबसूरत मौल साहब ने पढ़ा अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं कि अक्सर सरगोशियों में खैर नहीं होती ला खैरफ़ी कसर नजमा मगर उन गदरिंग्स में जिसमें तीन कोई से काम अरबी का लफ्ज है अव का मतलब और या वाह नहीं है या या नेकियों की बात हो या सदक़े की बात हो या बहम उम्मत की असलाह की बात हो जो भी ये अमल करेगा अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह उसको अनकरीब अजर अजीमा दे, दे। कितनी ज़बरदस्त कुरान की आयत है इन मजलिसों के लिए हजू सला ने फरमाया क्या मैं तुम्हें बता दूँ कि दुनिया आखिरत की दोनों खैरतुम्हें मिल जाए तुम क्या करो ये दीन की मजलिसों को लाजम पकड़े और जब तना हुआ करो अल्ला का िक्र किया करो हम ये समझते हैं बहुत बड़ी गलत फहमी है कि रोज़ी बाहर की मेहनत से मिलती है ये एक कुफर की सोच है हमारी ईमान वालों की ये सोच नहीं है अल्लाह ताला जो रोज़ी को रोज़ी का ताल्लुक हमारे अमाल के साथ है बाहर की मेहनत पे सिर्फ ज़ाहिर होता है इसका कोई अल्लाह की कसम तीस साल से फिर रहा हूँ सब धोखा है नजर का रिस्क का ज़मीन के किसी सबक से ताल्लुक वह फिर समय रिस्क कुम व मत रिस्क तो आसमानों में है वो तो नीचे जाहिर होता है तुम्हारे इम्तहान के लिए ये जो मजलिसें हैं हमारी अल्लाह ने रिस्क को इससे जोड़ा हुआ है मैं बीमार हूँ इसमें बैठूँ मैं परेशान इसमें बैठूँ मुझे नींद नहीं आती इसमें बैठूँ मेरे घर के मसले हैं मैं इसमें बैठूँ हमें मेरे दोस्तों क्योंकि बचपन से हमने पढ़ा ही अल्लाह का गैर है जितना हम पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ गए सब अल्लाह का गैर है तो तीस साल गैर पढ़ा कैसे यकीन आ गया मैं कैसे मान लूँ अल्लाह की बात के सूद से माल घटता है मेरा तो पैसा बढ़ रहा है हर साल सूद से मैं अल्लाह की बात कैसे मान लूँ मैं कैसे मान लूँ सदक़े से माल बढ़ता है मैं अभी मस्जिद को पैसे दे के आएँ माल घट गया अल्लाह कहने रहे हैं सदके से माल बढ़ता है मेरे दोस्तों बहुत बड़े इम्तिहान में फंस गए। और अल्लाह ने मैं बहुत ज़्यादा मशगूल कर दिया दुनिया जब अल्लाह किसी से नाराज़ होते हैं तो दुनिया में मशगूल कर लेते अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं तो दुनिया से फारिग कर देते यह आदम के औलाद अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को फारग कर अल्लाह चूझे गनी कर देगा बेपरवाह कर देगा दुनिया से तेरे फकर को ख़त्म कर देगा और अगर तूने ऐसा ना किया अल्लाह तुझे तेरे, तेरे फकर तुझको मुसलत करेगा और तेरे कामों को फैला देगा तेरे हाथ को मजबूरी से भर देगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों तकबा जो है अगर आ गया अल्लाह अल्ला अल्ला ताला हम सबको नसीब करे अल्लाह ताला कुरान में शुरू में ही फरमाते हैं ये किताब हिदायत देती है मुतफियों दल अल्लाह आगे एक जगह फरमाते हैं और मई अद तक मखरजा और यजुक्म तुम तकवा बना लो तुम्हें हर मुश्किल से मैं खुद निकालूंगा रोजी वहां से दूंगा जहां से तुम गुमान अल्लाह फरमाते हैं बलो अन्ना पुरा आमनु बकव लफतः बरक़ात में सवाल करो तुम ईमान तकवे की मेहनत कर लो जमीन आसमान की सारी बरक़ात मोमै तक या जल्द्रा तुम तकवा बना लो तुम्हारे हर काम को मैं आसान करूँ मेरे दोस्तों तकवा तीन मेहनतों का नाम है तीजे से सही हो जाए अल्लाह तकवा दे देखे और ये तीनों चीज़ें हिदायत की भी अलामत है हमें हिदायत चाहिए ना हम सब हर वक्त सुरह फातिहा पढ़ते हैं इश्त नमस्क सरात हमें हिदायत चाहिए हिदायत मिल गई कुछ भी ना मिला सीधा जन्नत हिदायत ना मिली माल मिल गया कानून की तरह हुकूमत मिल गई फ़िलौन सीधा जन्नत जिसने बत, यानी आप देखो ना पाँच उलम नबी कायनात के ऐसे लोग थे जिन्होंने दुनिया को सबसे कम इस्तेमाल किया है सलाम एक एक साल का रोज़ा रखते थे खाने को नहीं होता और साढ़े नौ सौ साल तबलीग की उम्र है कि हमारी तरह साठ सत्तर साल नहीं थक गए गश करके थक गए यार कोई नहीं यार साढ़े नौ सौ साल तबलीग साल का रोज़ा इब्राहिम सलाम अपना मकान ही नहीं बना सके इब्राहिम सलाम के पास खाने को कुछ नहीं होता नमरूद के आदमियों के पास अनाज गंदम लेने गए तो क्या पहले सजदा करो फिर गंदम मिलेगी कल लानत भेजता हूँ इस पर तो बोरी में मिट्टी भर ली अल्लाह ने उस मट्टी को जन्नत की गंदम बना दी कुछ नहीं था खाने को आग में डाले गए अल्लाह ने जन्नत का अनार खिला दिया हज़रत ईसा इस्लाम मूसलाम गरीब तरीन लोग और अल्लाह ने चुन के इनको बनाया और हज़रत महमलसम इनके सरदार थे छः छः दिन खाने को नहीं होता था तीन तीन चांद गुजर जाते घर में बीवियों के लिए कुछ खाने को नहीं दुनिया से जा रहे सारी बीवियाँ भूखी थीं फातमा अक्सर भूखी हसनैन हसर भूखे और साहबा सफ़ में गिरते थे मेरे दोस्तों ये अल्लाह ने क्यों हमें दिखाया क्योंकि दुनिया जिसलिए हम आज मेहनत कर रहे हैं हम इसलिए नहीं आए हैं कि मकान बनाएं और जायदाद बनाएं और खाने खाएं ये मकसद नहीं है हमारा मकसद मेरे दोस्तों दुनिया में आने का अमल बनाने का है देखो ना अल्लाह कुरान में एक आयत बताते हैं वल हयात यबुलकुम अकुम अक्सल हमने मौत जिंदगी का जो इम्तिहान बनाया ना ये इसलिए बनाया कि तुम्हारा टेस्ट लें कि तुम में से मेरे पास आसन अमल बना के कहते जब आदमी मरेगा मरते ही कहेगा या रू या लेता नहीं कदम तो ले हयात है आय काश मैं अपनी हयात के लिए आगे सामान भेज देता वो इसको हयात कह ही नहीं रहा ये तो मौत है अभी आप सोचोगे मौत आ जाएगी रूह निकल जाएगी जिसको अल्लाह चाहेगा रूह लौटा देगा फिर सुबह उठेंगे या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है हमारी लूथों ने लटा दी चल एक दिन कॉर मर हम रोज़ाना मर रहे हैं लेकिन हमें होश नहीं ये मौत है मैं अभी इतने घरों में फेरा हूँ घर में मौतें आई हुई हैं बच्चियाँ आउट हैं देखो तो ना अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ इतने बड़े बड़े घरों में जाना हुआ अंदर झरनुम बनी हुई और पूरी दुनिया का ये हाल है बच्चे बात नहीं मानते बेटियाँ बात नहीं मानती मेरे दोस्तों ये अल्लाह की नाराज़गी क्या अलामत है तकवा आ जाए सारे मसले हल हो जाएंगे ये जो हम आज बैठे हैं मेरे दोस्तों और एक और बात याद रखना कि तकवे का ताल्लुक मस्जिद की मेहनत के साथ है जैसे केद का खेल का ताल्लुक ग्राउंड के साथ है जैसे डॉक्टर का ताल्लुक मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेहनत के साथ है जैसे पायलट का ताल्लुक एविएशन कॉलेज के साथ है जैसे लॉयर और जज का ताल्लुक जो है लॉ कॉलेज के साथ है ईमान और तकवे का ताल्लुक मस्जिद के साथ है अल्लाह क़ुरान फरमाते हैं हमने ज़मीन पर जो पहला बैच रखा उसका नाम क्या है बेबक्का क्यों रखा ताकि लोगों को बरकतें मिल जाए और हिदायत मिल जाए हिदायत और बरकत का ताल्लुक मस्जिद से कसरत आज बहुत है लोगों के पास इतनी कसरत है लेकिन साथ साथ कसरत से बीमारियां भी आ रही साथ साथ कसरत से जो है नाफरमानियां भी आ रही अल्लाह ने बरकत को बरकत किसको कहते हैं एक महीने में साल की रोजी मिल जाए सौ दस आदमी का खाना सौ खा जाए अबू रही के पास एक थैली थी उसमें अल्लाह के नबी की ने कहा तेरे पास कितनी खुज कहा थोड़ी होंगी कहा मेरे पास ला हाथ डाला हाथ डाला और हाथ निकाला क्या बुर आज के बाद इसमें खजूरें डालते रहना बस निकालते रहना डालना नहीं निकाल डाल निकालते रहना और इसको देखना नहीं अब रेरा फरमाते हैं मैंने सत्ताईस साल में एक हज़ार मंज से ज़्यादा खजूरें उसमें खाई हजूर सब ने पानी में हाथ डाला इतने से पानी में आपके नाखनों से अल्लाह ने पानी निकाला साढ़े तीन सौ साहबा ने पानी पिया अल्लाह के मैंने एक देज की है हम आंखों से आज चीज़ें देख रहे हैं एक मुझे जनरल वो डी मिला मैंने कहा आप कैसे फंसे तबली वालों के हाथ तो मैं कहते मैं जो है ना वो अमीर साहब से कहा शबे जुमा का मैं खाना लाऊंगा तो अमीर साहब ने मना किया मैंने उनको तसल्ली दी मेरी रोजी हलाल की है एक रुपये हराम नहीं है आप तहकी कर लो खैर अमीर साहब ने कर लिया और कस्में खाई जब वो खाना लेके आया बनाया था तीस आदमी का सौ आदमी बैठे थे इसने कहा मैं तो मर गया ना आज तो मैं जलील हो गया तो क्या मैं दूर बैठ गया अल्लाह से मांगता रहा अमीर साहब शुरा यासिन पढ़ते रहे खाते रहे खाते रहे तीन सौ आदमियों ने खाना खाया उसके बाद अल्लाह ने खाना खत्म किया इस चीज़ ने मुझे बताया कि बरकत भी कोई चीज़ होती है ना? एक बकरी दो बच्चे एक बच्चा दो बच्चा पूरी दुनिया बकरों से भरी है और ईद पर अभी करोड़ों ब्बा होंगे बकरे कम नहीं होते सब खाई जा रहे हैं और माशा तबलीखी जमात तो अक्सर बकरा ही खाती है सब्ज़ी दाल से तो दूर रहते हैं लेकिन एक कुत्तिया एक वक्त में सात से तेरह बच्चे देती है कुत्ते कहाँ चले जाते हैं कभी आपने सौ कुत्ते देखे सौ कुत्ते जा रहे हैं अल्लाह ने बकरियों बरकत डाली कुत्तों से निकाल दी हलाल में बरकत हराम में बरकत नहीं है मेरे दोस्तों तीन लाइन तीन चीज़ें हम सही कर लें अल्लाह कुरान में कहते हैं इ नमा यामरू मसाजद मन आमना बिल्ला वालयम आखिर व कामत सला व आत ज़क़ा वलम यक्षशाहमा कहते हैं जो मसाजिद को आबाद करेगा ये ईमान वाला है और जो मसाजद को आबाद करेगा नमाज भी कायम करेगा और नमाज का ऐसा ज़क़़त भी कायम करेगा और जो ये तीन काम करेगा अल्लाह वादा कर रहे हैं इसको तकवा अता करूंगा और अपने अलावा के सारे खौफ इसमें से निकाल दूंगा और अल्लाह कह रहे हैं फासा आशा उलाई का आई यकून मिलमद्दीन ये चार जो काम कर रहे हैं ना मसाजिद को आबाद करते हैं नमाज़ क़ायम करते हैं ज़क़़त कायम करते हैं और तकवा करते हैं यही लोग हिदायत याफ्तर लोग हैं अगर ये चार काम नहीं करे मेरे दोस्तों हिदायत नहीं है कुरान में शुरू में अल्लाह कहते हैं कि ये किताब मतकीिन के लिए है। वो कौन है अल्नबिलगैब यकीमनसलाजुलफुन ये तीन जो काम कर रहे हैं एक ईमान को बना रहे हैं नमाज क़ायम कर रहे हैं और माल को सही जगह खर्च कर रहे हैं ये तीनों लोग जो हैं तकवे वाले हैं मेरे दोस्तों तकवा आ गया सारा मसला हो जाएगा सबसे पहली चीज़ है मसाजिद को आबाद करना मसाजिद कैसे आबाद होती हैं मेरे दोस्तों आज सारे मुसलमानों का ज़ोर जो है ना जिसम पे रूह अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मस्जिद के भी बनने अंदर से रू नहीं है ये भी सारी मेहनत जिसम पे हो रही है कपड़ा अच्छा दो मकान अच्छा दो गाड़ी अच्छी दो जूते अच्छे दो घड़ी अच्छी दो रूह पर कोई मेहनत नहीं है और ये जिसम जो है ये गंद बनाने की मशीन है और इसने कब्र में ख़त्म हो जाना है इसने हमारे साथ वहाँ नहीं जाना इली यीन में या सिज्जिन में अल्लाह हम सबको जो है सिन से बचाए जन्नत में दाखिल करें हमारी सारी मेहनत जिसम पे हो रही है इसको मकान अच्छा दो इसको गाड़ी अच्छी दो के लिए सोफ़ा अच्छा बनाओ के लिए बिस्तर अच्छा दो फल दो फल् रू की महनत क्या है अल्लाह कुरान फरमाते हैं क़्यामत के दिन ला लाफ माल बनून इला मना तब कल्ब सलीम वहाँ तो सिर्फ कल्ब सलीम चेक होगा वहाँ तो को, ना मैं तुम्हारे चेहरों को देखता हूँ ना तुम्हारे मालों को मैं तो तुम्हारे दिलों को देखता हूँ अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में मस्जिद का दिल खाली है सिर्फ बाहर से बनी हुई है सेवन स्टार मस्जिद टेन स्टार मस्जिद मेरे दोस्तों बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च हो अल्लाह जिस माल को मरदूद करते हैं तामीर पे लगा देते हैं क्रिकेट ग्राउंड को अगर आप आरामदेह कर दें क्रिकेट ख़त्म क्रिकेट ग्राउंड मुशक्कत की जगह है खेती किसान के लिए मुशक्कत की जगह है। मसाजिद मुशक्कत की जगह हैं लक़त खलकन इंसान अल्लाह ने इंसान को फितरत मशक्क़त पर पैदा किया है आप जब तक मिट्टी पर गर्मी नहीं पड़ती ये खजूर नहीं निकाल सकता ये आम नहीं निकाल सकता जब तक मिट्टी पे सर्दी ना पड़े ये अनार नहीं निकाल सकता आज अल्लाह भेजते हैं चलो सर्दी भेजो इनमें से अखलाक निकलें ये हीटर चला के बाद अख्लाक ही निकलती है अल्लाह गर्मी भेजते हैं चलो इनको ज़रा तबक्कुल निकले ये ए सी चला के वो भी बेड़ा गर्क कर देते हैं गर्मी की ज़मीन में उसमें ए सी चला दो खजूर कैसे निकलेगी उसमें आम कैसे निकलेगा तीन सौ किस्म का आम निकलता है ज़मीन से जब उस पर गर्मी पड़ती है ना हम मट, बेहतरीन मिट्टी है लक़त खल लकन इंसान फ आसन तकमीम हमसे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं देखो ना मेरे दोस्तों दरख्त को आप पत्थर मारो अमरूद के वो दरख्त जो है अमरूद पत्थर खा के अमरूद देता है और अगले साल ये नहीं कहता जालिम पिछले साल पत्थर मारे थे इस साल अमरूद नहीं दूंगा फिर अमरूद देता है इंसान तो दरख्त से भी अच्छा है पानी इंसान पानी से बना है पानी पीने में कितना मज़ेदार अभी रोज़ा लग रहा था पानी ने कैसा सुकून दिया चोट लग जाए बर्फ़ लगाओ पानी चोट सही हो जाती है लैक्टिक एसिड जमा हो स्विमिंग पूल में कूदो लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है जब हमें बहुत मुश्किल मैच आते थे हम समंदर के सामने बैठते थे या समंदर की ऑडियो सुनते थे समंदर की आवाज़ सुन के पानी की हमें सुकून मिलता था हम मेरे दोस्तों पानी एक जबरदस्त नियमत की चीज़ है लेकिन पानी हद में हो हद में नलकों में तो बड़ा मज़ेदार गर्म ठंडा तानी पानी जो है समंदर में हो तो बहुत मज़ेदार है झील में हो तो बड़ा मज़ेदार पानी समंदर छोड़ दे तो सोनामी सबको तबाह कर देता है नलके टूट जाएं सारा घर तबाह कर देता है सैलाब आ जाए कराची में सारे घर तबाह आज ये पानी हद से निकला हुआ है ये इसलिए तबाहियां कर रहा है घर में लड़ाइयां कर रहा है घर में ये कितनी खूबसूरत चीज अल्लाह ने इंसान ने बनाई है लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना मस्जिद को आबाद किए बगैर हम दीन हम दीनदार नहीं बन सकते इंसानियत की मेहनत मस्जिद की मेहनत से जुड़ गए हजरत मोहम्मद की मस्जिद चौबीस घंटे चार आमाल से आबाद रहती थी देखो अल्लाह ने हमें रूह बनाने का हुक्म दिया है जिसम का नहीं हम आ, आ, लेस्टर शायद शायद दुनिया का वाद शहर है जहाँ आजाने खुली होती हैं लेस्टर शहर, वहाँ एक शराब खाना था एक ब्रॉथल हाउस था उसके साथ मुसलमानों ने एक जगह ली कराए पे, वहाँ मस्जिद के अमाल शुरू किए चार अमाल ये चार अमाल हर घर में हर मस्जिद में होने चाहिए चार अमाल शुरू किए वो शराब खाने में लड़ाई हुई ऑप्शन हुई मुसलमानों ने खरीदा बना ही कबला रुखता है ना अल्लाह ताला ने उसको मरकज़ बनाया वहाँ से जमातें निकली सामने एक पुलिस स्टेशन था एक साल में वहाँ का क्राइम ख़त्म हो गया पुलिस वाले गिफ्ट के तौर पर थोड़े से पैसों में दे गए वो मदरसा बन गया उस स्ट्रीट पर छः बड़ी मसाजिद हैं जो आमाल से भरी हुई माशा मेरे दोस्तों हमें अंदर का हुक्म है ये जाहिर हमारे जिम्मे नहीं है ये पूरी ज़मीन अल्ला ने सुम्मत के लिए इस नबी के लिए मस्जिद बनाई है हमारा सारा जोर ज़ाहिर पर लग रहा है केले का छिलका कचरे में जाता है असल तो केला है हमने इन आंखों से बालाकोट में पांच मसाद शहीद देखी जलजल में मौजूद था सब शहीद हो गए एक हमारा मरकज कच्चा बचा था जो 24 घंटे अमाल से आबाद था आप मस्जिद को आबाद करो फिर देखो अल्लाह क्या करते हैं वरना जितना मर्ज़ी चीखें मारते रहोगे हिदायत के अमाल के बगैर हिदायत नहीं मिल सकती क्रिकेट की मेहनत के बगैर क्रिकेटर नहीं मिल सकता हिदायत के अमाल सबसे पहले मसाजिद को आबाद करो और अल्लाह गारंटी दे रहे हैं कि मसाजिद को आबाद करने वाले ही ईमान वाले इन नमा सिर्फ ईमान वाले कौन है जो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं हजरत मोहम्मद को जो मसला होता था अभी भी आज मुझसे कुछ पूछा था सईद भाई को अलग से जिक्र दें मैंने कहा एक टांग उठा के छह लाख दफा ये पढ़ो फिर दूसरी उठा के तीन लाख ये पढ़ो ये जिक्र पसंद है अब कोई नबी का जिक्र पूछो हजरत मोहम्मद सम को जो मुसीबत आती थी अब नमाज़ पढ़ते हमसे नमाज पढ़ी नहीं जाती क्योंकि जैसे ढीला हो चुका है ना बैठ क्योंकि तस्वीर दे दो हिलते रहे हिल हिल के हिल ही गए नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता अल्लाह के नबी जो मसला है नमाज नमाज से बड़ा कोई जिक्र ही नहीं है इब्राहीम इस्लाम की बीवी को पकड़ लिया बादशाह ने उस जमाने के फ़िरौन ने हजरत हजरत सारा को आपने सलात हाजत शुरू की जैसी शुरू की वो फिरौन हाथ डालता उसको रोब आ जाता डर जाता इतना डरा कि अपनी बेहतरीन बंदी हदिया में दे दी हाजरा और हाजरा हाजरा से अल्लाह ने इसमाइल आलाम की पैदाइश पैदा की हजरत इब्राहिम इस्लाम की नमाज़ से हजूर मिले हैं आज हमें नमाज पे यकीन नहीं ये क्या ये नमाज़ जन्नत फिरदोश ले जाती है मेरे दोस्तों हजूर की मस्जिद में ईमान का हल्का लगता था और अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं अबी जी उस नफ्स का माल लदीना यदून अरब बहुमत लशी आप भी इन मजलिसों में सुबह शाम बैठा करें हमारे पास टाइम ही नहीं है नबी को वही आती है आपके इशारे से चांद के दो टुकड़े हो गए आप इन मजलिसों में बैठने का हुक्म है हमसे ये मजलिस क्यों छूट रही है कि हमने एक लाइफ बनाने की फैसला कर लिया है कि अपनी मैं लाइफ को सेट करूंगा हो ही नहीं सकती अल्लाह ताला कुरान में शैतान कहता है अल्लाह मैं तेरे बंदों को ऐसे गुमराह करूंगा जैसे तूने मुझे गुमराह किया है इस दुनिया को खूबसूरत बना के दिखाऊंगा अल्लाह नबी से कह रहे हैं नबी जी कि आप इन मजलिसों में पाबंदी के साथ सबर के साथ सुबह शाम रोज बैठें और ये लोग ये वो लोग हैं ये रीदूना वजह ये अल्लाह की रज़ा के लिए बैठते हैं इनको और कोई चीज़ गर्ज़ नहीं है ना पैसा ना शहरत और वाला तादु ए न कानू ए नबी जी आप ये मजलिस ना छोड़िएगा किसकी वजह से ज़ीनत अलयात दुनिया दुनिया की ज़ीनत की वजह से आज ये जो हमें मजलिस छुट रही हैं ना दुनिया की जीनत की वजह से अल्लाह ने दुनिया फरमाते हैं मेरी बनावट में सबसे घटिया चीज़ दुनिया है दुनिया का मतलब ही घटिया तरीन चीज़ है करीब तरीन चीज़ हजरत मोहम्मद ने मुर्दा बकरी उठाई ए मेरे सहाबा इसको एक धर्म में कौन खरीदेगा कि रसूल बहुत ही घटिया मुर्दा है मक्खियां बैठी हुई हैं ये मालिक ने फेंकी है घटिया की वजह से छोटे कान है का इस कायनात के मालिक के नज़ीक ये दुनिया इससे भी ज़्यादा घटिया है आज हमारा सौराजो लग रहा है मस्जिद में भी दुनिया नमाज़ में भी दुनिया तिलावत में भी मोबाइल साथ नमाज़ में भी वाइब्रेशन पे रखा हुआ है कहीं दुनिया कहीं ऐसे इधर उधर ना हो जाना मेरे दोस्तों हमें इसके लिए बनाया नहीं अल्लाह हम तो जन्नत के लोग हैं हमारे हालात जब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक हम मजलिस से नहीं लगाएंगे मसाजिद में घरों में हर जगह ये हुक्म है ए नबी आप भी बैठिए मस्जिद फरमाया मस्जिद हर मतकी का घर है सच बताओ आज कितने मुतकी हैं दुनिया में तखबे की अलामत है मस्जिद के घर बनाए हमारे हम जिन लोगों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो तो मस्जिद से निकलते ही नहीं थे साहबा अब्दुलरहमान में नौ तानो सबसे बड़े ताजर इस्लाम के वो घर एक आदमी गया खटखटाए के अब्दुलरहमान कहाँ हैं कब मस्जिद गया होगा मस्जिद गया है कब आएगा का कोई पता नहीं कब आएगा हमारे घर कोई आ जाए सही जनवर कहाँ हैं कब मस्जिद गया होगा कब आएगा दो मिनट में आता होगा बस फलांग की पहली सफ में फलान के बाहर दो मिनट में आता होगा अच्छा दुनिया की क्या मिल गया दुबई पता नहीं कब आएगा हो सकता आगे चाइना निकल जाए सारा उल्टा जितना हम बाहर हैं आज मस्जिद से उतना साहबा अंदर रहते थे फरमाया इतनी बड़ी सारे उलमा की मुतफिक राय है जो इब्ने तैमिया ने लिखी कि जैसे मछली का घर पानी है उसकी सारी जरियात पानी के अंदर हैं उसकी हयात पानी में बाहर तड़पेगी कटेगी पखाना बनेगी ऐसी सुम्मत के हालात अल्लाह ने मस्जिद के साथ जोड़ा <coughs> मैं भी एक डॉक्टर सर्जन से मिला क्योंकि आपका एक मस्जिद का बयान सुना मैंने तीन महीने से मस्जिद के अमाल में जोड़ रहा हूँ अल्लाह ने मेरे घर को जन्नत बना दी अल्लाह ने मेरे सारे हालात ठीक कर दिए मेरे दोस्तों अल्लाह के वास्ते ये तकवे का महीना है तकवा मस्जिद की मेहनत के बगैर नहीं मिल सकता कोई माई के लाल स्विमिंग पूल के बगैर स्विमर बन जाओ मुझे भी बता देना कोई आदमी बाल्टी में स्विमर बन गया हो यार मैं बाल्टी में तीन महीने मेहनत की स्विमर बन गया या किसी ने रक्षा खरीद के पायलट बन गया हो कि रक्षा चला रहा था पायलट बन गया बगैर मस्जिद के ये मुतकी नहीं बन सकता मस्जिद हर मुतकी का घर है जो मस्जिद को घर बनाएगा अल्लाह उसको राहत देगा उस पर रहम करेगा अपनी रजा के साथ पुलसरात से दाखिल करेगा बिजी के साथ जन्नत में दाखिल करेगा का कहा तीन काम तुम करो तीन मैं करूंगा तुम पांच दफ़ा मसाजिद जाया करो नमाज़ पढ़ो उसको क़ायम करो आबाद करो और घर में सलाम करके दाखिल हो मुझ पर और अल्लाह के रस्ते में लिख लो जिंदा रहोगे अल्लाह तुम्हें रोज़ी पहुंचाएगा तुम्हारे काम मदद करेगा मरते ही सीधा जन्नत में दाखिल कर देगा मैं क़्यामत के दिन अर्श का सहाय मिलेगा जिसका दिल मस्जिद में अटकता हूँ तो अल्लाह के वास्ते भाई ये महीना रमजान का है इसमें अपने आप को मस्जिद की आदत डालू आज लोगों को पान की आदत है वो तो ही रोज़ा टूटता है ना पान खाते हैं सर चकराते हैं नसवार की आदत है लोगों को है ना नस्वार डालते हैं बीड़ी की आदत सूटा लगाते हैं बाहर ग्रुप में जमात बना के जाते हैं आठ आदमी है। सब चीज़ हो गया चाय नहीं पी पोटी नहीं आ रही कब्ज़ हो गया लेकिन मेरे दोस्तों मस्जिद की आदत नहीं है हैजूल ने फरमाया जिसको मस्जिद का आदि देखो इसके ईमान की गवाही दे दो हमारे कराची में आए दिन सेल बंद हो जाता है हम जमात में गए तबलीखी जमात माशा सारे वो चार्जर लेके आई हुई थे ना सबसे पहले पूछना यहाँ चार्जर का है है ये नहीं पूछते कितनी जमातें हैं कितने जमातें नहीं।, नहीं चार्जर मोटी पिन का है पतली पिन का है या सिम कौन सी फास्ट चलती है अमेरिका जमात आती है सबसे यहाँ कौन सी फास्ट सिम है जिसका जी वो फाइव जी है ना तो और साथ ना अच्छा ईमान का कोई चार्जर नहीं मोबाइल के दो चार्जर रखे हैं पावर बैंक कहीं मोबाइल ढीला ना हो जाए दिल ढीला हो जाए ऐसे ही तरफ हम नमाज़ पढ़े वहाँ मक्के में तो इमाम साहब ने देख लिया मुझे इंडिया के हाजी थे कहा सईद भाई बयान कर लें सात आठ सौ हाजी में बैठ गया तो बहुत सारे हाजी थे अभी नमाज ख़त्म नहीं हुई थी तो हो गई थी आधी सफ़ लेट जैसे आखिर में आते हैं ना क्रिकेट वो स्टेडियम में तो आगे बैठते हैं नमाज हम पीछे पढ़ते हैं अब जना वो नमाज अभी चल रही थी तो एक आदमी आया उसने कहा इमाम साहब किसी का आईफोन खोल गया ऐलान कर दें इमाम साहब ने ऐलान किया आधी जो सफ़े थी ना कोई रुकू सजदे में सबने जेब में चेक किया हमारा आईफोन तो नहीं ऐसा दिल आईफोन में ढका ठक रहा मेरे दोस्तों मस्जिद के आमाल ईमान का हल्का हजर तुम्हारी ईमान का हल्का लगाते थे ये ईमान से रोजी जुड़ी अल्लाह कुरान में कहते हैं वल्लीना आमनु वाजरु व जाहिद वल रिस्कुन करीम जो ईमान लाके अल्लाह के दिन की हिजरत करेगा और जो लोग इनकी नुसरत करेंगे पक्के मोमिन हैं इनके लिए अल्लाह ने क्या रखा है नफरत और दुनिया में रोज़ी है इज़्ज़त वाली। रोज़ी हमारी इससे जुड़ी है मसाजिद को आबाद करना नंबर टू नमाज क़ायम करना ये अपनी नमाज से काम नहीं चलेगा ये तो और फंसेगा हमने अपना भी ईमान बनाना दूसरों का भी अभी मुझे एक स्कॉलर की मजलिस बैठी मुझे बड़ा अफसोस होता है पता नहीं इमाम साहब आज मुझे क्लियर कर लें उन्होंने कहा जी ये दावत का काम सब करने ये सबके लिए जरूरी है अभी इसने आयतें पड़ी हैं बच्चे ने मेरे दोस्तों हजूर ससम मिसाल दिए कि दो तबके हैं कश्ती के एक नीचे एक ऊपर और नीचे वाले ऊपर जा, जाने के बजाय उनका कहाँ ऊपर जाएंगे समंदर में सुराख कर लेते हैं यहीं से पानी निकाल लेंगे हम ऊपर वाले पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब इनको रोकना फ़र्ज है ना फर्ज़ी किफ़ाय ऐसी ही तैसे सब मारेगा ये नीचे कश्ती में सुराख कर रहे हैं हम खड़े हैं जी जरा मुफ्ती साहब से पूछ लूँ मेरे दोस्तों हजरत सूर नमल में एक चूटी ने बाकी चोटियों की दुनिया की फिक्र की है अल्लाह ने अपनी किताब को उसको हिस्सा बना दिया आप देखो तो एक चोटी दुनियावी फिक्र जो इंसानों की आखरत की फिक्र करे उसको अल्लाह क्या जन्नत देगा असाब काफ अपना ईमान बचाने निकले कुरान की पूरी सूरत तो उतर गई जो लोग दूसरों के ईमान की फिक्र करेंगे अल्लाह उनको क्या जन्नत देगा हदू जानवर ने एक गश्त किया जोला अल्लाह ने कुरान में तस्करा कर दिया मेरे दोस्तों अल्लाह ने हमारी रोजी को किससे जोड़ा है हजरत मोहम्मद को तंगी रोज़ी की आपने रोका कहा वाहमुर अल्ला के बिसी वस्तव रेहा ए नबी जी अपने हल को नमाज़ कायम कराओ और आप इस पर जमे रहो इनको समझाते रहो ला नसरों का रिसका हम आपसे रोज़ी नहीं चाहते नहनु नजुख हम खुद राजिफ़ हैं वाल आंख बतुल और बेहतरीन अंजाम तो तखवे वालों हमारी रोज़ी नमाज के साथ जुड़ी है ये वाली नमाज नहीं है टी टेन और टी ट्वेंटी ठका टक खत्म ये वाली रोज़ नमाज बनाई तारिक जमील साहब से मैंने पूछा आप इतनी बात करते हैं अखलाक अखलाक मुझे आप एक सवाल दें कि नमाज फाहशी बेहिश से रोकती है नमाज इंसान को अखलाक वाला बनाती है नमाज रोज़ी खींचती है आपकी चालीस साल तबलीग में कोई मुसलमान आपके पास नमाज ठीक कराना है मौलाना का एक आदमी भी नहीं आया बताओ मुफ्ती साहब आपके पास कितने आते रोज कोई आता है मेरी नमाज ठीक करने मुफ्ती साहब ये जो है ना मेरा फ़ोन ठीक नहीं है कोई है आपका जानने वाला साहब मेरे ये जो है ना वो अपना गाड़ी जरा ख़राब है कोई है कोई मैकेनिक ज़रा सस्ता कर दे ये ना अभी मुझसे कुछ पूछ रहा था कि आप क्या करते हैं मैं कहा हमारा आई टी का काम है आई टी मैं कहा इंटरनेशनल तबलीग कोशिश कर रहे हैं उस काम में लगर आई टी ये असल तो ये चुना मिलेगा अल्लाह की कसम आप सोच नहीं सकते पूछो इंजमाम से थोड़ा सा लगना पड़ता है शुरू में थोड़ी सी गिलियाँ उड़ती हैं बाउंसर्स होते हैं ज़रा सा खड़े रहो ऐसा अल्लाह खोलेगा दुनिया आपने हवा में भी नहीं देखी होगी सोच भी नहीं सकते अल्लाह कह रहे हैं मैं वहाँ से दूंगा जहाँ से तुम्हें गुमान नहीं अपना नमाज ठीक करो और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज़ है अपने माल का खर्चा सही करो भाई आपसे एक सवाल है मेरा आप क्या अमरीका में सुने सुबह आजकल रमज़ान में फजर में तीन रकात हो रही हैं ये सही है सुने तीन रकात पढ़ते हैं दो ही

जो गलत बताएगा पांच हजार डॉलर लूंगा उससे कमाना कितना फर्ज है बताओ नमाज कितनी फर्ज है रोजा कितना फर्ज है जक़त कितनी फर्ज है हज कितना फर्ज है ये पता ही नहीं कमाना कितना फर्ज और कब कमाना फर्ज है हाजी साहब अराफात में मगरिब पढ़ सकते हैं नहीं कजा करें जवाल में सजदा नहीं अभी तवाफ कर रहे हैं हरम की सब छोड़ी ने की अकामत शुरू होगी तवाफ कर सकता है इमाम साहब नमाज शुरू करें तिलावत कर सकता है नहीं ये जॉब कर रहा है किसी के यहाँ कि कुरान पढ़ सकता है उस जॉब के वक्त में नहीं तो मेरे दोस्तों पता है कमाना कब फर्ज है कुछ भी नहीं पता और अल्लाह कुरान में कहीं नहीं कहा शराबी कातिल अल्लाह कह इन, ए, ए, क्या है शैतान के पक्के भाई हैं जो माल में तबजीर करते हैं गलत जगह जो माल में इसराफ करते हैं एक आदमी ने आजकल रोलेक्स लोग बहुत पहनते हैं जाली भी और यूं बैठते हैं ना ताकि नजर आए रोलेक्स ऐसे स्टाइल भी देते हैं ना यूं तो मैं एक आदमी ने रोलेक्स पहनी थी मैंने कहा ये रोलेक्स है कितने के लिए कहा सेवेंटी थाउजेंड डॉलर्स की मैं कहा इसमें पच्चीस घंटे आते हैं कहा नहीं चौबीस नहीं है मैं कहा फिर क्यों लिए पच्चीस आते हो हम भी खरीद लें क्यों लिए हैं एक औरत ने देखा टेस्ला गुजरी कही कितनी तेज कार है ये कितना करती है जीरो टू हंड्रेड वो कहा फाइव सेकेंड में जीरो टू हंड्रेड उसने जाकर शोर को कहा आई नीड ए मशीन दैट कैन टेक मी फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड एम एच एम पी एच इन टू सेकंड शोहर एक वेट मशीन ले आया वो एक सेकंड में हंड्रेड में पहुंच मशीन चाहिए सारा माल खर्च हो रहा है गलत जगह पे खानों पे, हालांकि उर्दू का कितना खूबसूरत लफ्ज है खा ना हम कह रहे खाई जा नाश्ता ना पहले ना है। कल में पहले लाए ला नाश्ता खाई जा सारा माल हजरत मोहम्मद देखो साहबा के गरीबों में तीन सिफात थी इनके गुर्बत में एक रुपये हराम का नहीं था इनके गुरुबत में अल्लाह का हुक्म नहीं टूटता था और इनकी गुर्बत इनको अल्लाह के रस्ते से रोकती नहीं थी साहबा के अमीर में तीन चीज़ें थीं एक रुपये हराम करने। का नहीं अमीरी में अल्लाह का हुक्म नहीं टूटता था और अमीरी उनको अल्लाह के रस्ते से रोकती नहीं थी अल्लाह के रसूल साहब ने साहबा का माल चार जगह से निकाला सबसे बोले शादियों से हमारा माल कग रहा है भाई मैं अभी हज पर था ना तो जितने इंडिया के लोग आए मैं क्या सच सच बताओ दो चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे फ़जर की कितनी तादाद है अभी आपने पढ़ी किसने पढ़ी वो क्या इन मुनाफी की ना ख्वादे उन मुनाफे कौन है ये अल्लाह को नहीं अल्लाह इनको धोखा दे रहा है इजा काम उला थी काम खुशाला जब नमाज़ की आवाज़ आई सुस्ती कर देंगे फवेमसिन हलाक हो गए नमाजी कौन है जिनकी नमाज़ दिखावे की है और सुस्ती से भरी हुई है और ये क्यों नमाज़ पढ़ते हैं ये रो दिखावे के लिए पढ़ते हैं वल युना जिक्र अल्लाह का बहुत थोड़ा करता मैंने जितनी कंट्रीज़ मुसलमान की हैं सबसे पूछा किसी कंट्री में फजर में पांच परसेंट नमाजी नहीं है क्या करेंगे भाई आदमिलम को जो सजदा ना करने पर इम्लिस मरदूद हो गया और क्यामत अक लान इलेक्कल लाना था इला योमुद्दीन जो आदम के रब को सजदा नहीं कर रहा फजर में उसका क्या होगा फरमाया इसने जुल्म भी किया इसने कुर भी किया और ये मुनाफि भी है फिर दिल चाहता कि घर को आग लगा दूं जो बगैर किसी जैन उजर के घर में नमाज पढ़ने नमाज की जगह मैं अभी वहां सैन फ्रांसिस्को में था कुछ मेरे दोस्त थे कहते हैं मैंने कहा नमाज मस्जिद में पढ़ा करो कम अज़ कम फजर रिशा सारी राय बाद में कहा सईद भाई मस्जिद पंद्रह मिनट दूर है मैं कहा तुम्हारी जॉब कहाँ दो घंटे दूर है जॉब करने दो घंटे जा सकते हैं कुफर की नौकरी अल्लाह की नौकरी करने के लिए पंद्रह मिनट जाने को तैयार नहीं अल्लाह कह रहे हैं दुआ करो मैं तुम्हें मुतकीियों का इमाम बना दूँ हम किन के गुलाम बन गए आज काफ मेरे दोस्तों बुजुर्गों माल चार जगह से निकाला शादियों से मैंने इंडिया से पूछा इंडिया वालों से पूछा तुम्हारी शादियां कैसे होती हैं कहा पहले होती है मेहंदी फिर होती है मंगनी फिर होता है मायू फिर होता है बारात फिर वलीमा इस्लाम में वलीमे के अलावा कुछ साबित नहीं है मुफ्ती जरवली साहब और हमारे जो बड़े उलमा है ना इसके बारे में इतनी वहीदे सुनाते हैं आप सोच नहीं सकते आज पाकिस्तान में एवरेज शादी पचास लाख एक करोड़ तुर्की में लोग मर रहे हैं अच्छा एक आया कि जी आप लोग निकल जाते हैं इज्तमा में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और फला फला मैं क्या दुआ करो ना करें और कह रहे मेरी भांजी की मंगनी है उसमें आ जाए पच्चीस करोड़ रुपये खर्च हो रहा है बीस करोड़ रुपये खर्च हो रहा है मेरे दोस्तों कहाँ क्या कैसे अल्लाह को जवाब देंगे इसराफ वाले को अल्लाह मोहब्बत ही नहीं करते और तब्जी शादी पे पैसा लगाना हजरत अब्दुलरहमान मैं नौ रहा हूँ आए सुबह अल्लाह के नबी कहाब्दुलरमान ये लाली कहाँ से कल रात को शादी हो गई ख़त्म शादी नबी को नहीं बुलाया यहाँ तो वहां से हम मैं यहाँ जहाज में यहाँ से चढ़ा तो क्या ये सुना तारिक जमील साहब ने तीस हज कर लिए मैं हाँ मैंने भी सुना और पता भी है मुझे कहा ये क्यों करते हैं हर साल हज गरीबों को दें मैं कहा चलो मैं कह दूंगा आप लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ पच्चीस लोग हैं फैमिली के अपनी भांजी की मेहंदी अटेंड करने जा रहे हैं बिजनेस क्लास की टिकट खर्च करके हज करना जुल्म है और ये मेहंदी हिंदुओं की रस्म ये फ़र्ज़ैन मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी का इतबा कर रहे बगैर हमारी मफ़रत नहीं है अल्लाह हमें मोहब्बत नहीं करेंगे इतने बड़े बड़े सेठ थोड़ा सा दीनदार बने आज बच्ची खुद घर छोड़ के आते हैं जैसे हुजूर ससम की खाला ने फातिमा को छोड़ा कहा जाओ फातिमा को छोड़ के आओ अली से कहना मेरा इंतजार कर मैं आऊंगा फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार झाड़ू देते हुए जा रही है हजरत आयशा सबसे बड़ी आलमा पहली हाफजा इस्लाम की पांच धर्म के जोड़े में उसकी शादी हो रही ये हम अल्लाह को कैसे जवाब देंगे यार ये खर्च पैसा करना इन पे अमेरिकन पे ये जो हम सारा लगा रहे हैं तामीरों पे शादियों पे खानों पे कपड़ों पे ये कपड़ा क्या है मेरे दोस्तों अल्लाह की कसम मुझे तो कपड़ा इस्त्री करने का शौक़ नहीं लेकिन लोग वो कह रहे हैं तुम लोगों को दीन से भगा दोगे हजरत मोहम्मद सस्म के ज़माने में आपकी पूरी ज़िंदगी में दूसरा जोड़ा तय करके नहीं रखा गया आपको एक ही जोड़ा होता था बाज़ दफ़ा आप ऊपर उधार लेके नमाज़ पढ़ाते थे मेरे दोस्तों ये ये कपड़ों पे पैसे लग रहे हैं मैं जो दिखावे कपड़े पहनेगा ना मेरे साथ कट्स देखो कैसे लग रहा हूँ का जिल्लत का लिबास पहना के अल्लाह झरन में डाल हजरत हाँ तो उमर को ग्यारह पैवन से चाबियां मिली एक पैबन बगल में था कहा हमें अल्लाह ने इस्लाम में इज्जत दी हम कपड़ों में तलाश कर रहे हैं तो चार जगह से माल निकाला मैंने कहा आज ही शुरू कर दो थोड़ा तो निकालो यार हम एक घर में गए वार्ड में इतना इससे बड़ा वार्ड मैं कहा जरा रुको चौथा कलमा पढ़ लूँ लगता बाजार आ गया हूँ देख कपड़े पे कपड़े जूते पे जूते पता नहीं जितने ज़्यादा जूते होंगे उतने चार पिटाई किए घर में जूते छोटे ही होने चाहिए तो मेरे दोस्तों कपड़ों से निकाला खानों से शादी से तामीर से एक सबी ने एटक बनाया गैर जरूरी अल्लाह के नबी ने सलाम के जवाब नहीं दिया सारा घर तोड़ के आ गया और कहाँ लगाया चार जगहों पर अल्लाह का दीन जिंदा तबलीग के काम में इस पर जितना लगा सकते हो लगा दो एक है नाम जिनका है अब का सदीक रहानो इन्होंने सारा माल लगा दिया यहाँ तक कि घर पाँच हजार छोड़ के आए थे वो भी ले आए सारा घर फाके दो बीवियाँ उमर रुमान खूबसूरत तरीन औरत जू सरसम ने कहा जिसने जन्नत की औरत देखनी है मेरी सास को देख ले और नाबीना बाप छः कवारी बेटियाँ सब ले आए कवारी बेटी ने नाबीना बाप को दादा को दिखाया कि ठीकरे डाल के, के अब्बा जान कुछ छोड़ के गए सारा कुछ लिया अल्लाह ने आसमान से सलाम भेज दिया अब वर को मेरा सलाम हो एक औरत खदीजा पहली औरत है जिसको अल्लाह ने सलाम भेजा अम्बिया के बाद उन्होंने भी सारा माल लगा दिया तबलीग के लिए सारा माल लगा सकते हो सारा जान लगा किसका कोई हिसाब नहीं नंबर दो मान लगाए दीन की तालीम सीखने सिखाने पे आज दुनिया की तालीम सीखने सिखाने पे पता आपको मैथ्स के टीचर कितना लेता है एक कोर्स का डेढ़ लाख एक कोर्स आज पाकिस्तान डेढ़ लाख रुपए और दीन की तालीम सीखने वाला कारी कितना लेता है पाँच सौ रुपये उसमें पाँच सौ रुपये कुफर की तालीम डेढ़ लाख और दीन की तालीम जो है वो कितना पाँच सौ क्रिकेट कोच को मिलता है सा महीने का एक करोड़ उस पर ही रोता है तनख्वाह बढ़ाओ और कुरान के कोच को मिलता है पंद्रह हज़ार महीने का बताओ कितने जालिम हम ये सारी दुनिया के काफिर मिल के हमारी दुनिया को नुकसान पहुँचा रहे हम मुसलमान मिलके इनकी आखरत को नुकसान पहुँचा रहे हैं बड़ा ालिम कौन है भाई इंडिया वालों ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया और पाकिस्तान इनका कलमा रोक दिया बड़ा ालिम कौन है अल्लाह ालमों की मदद नहीं करता अल्लाह सेम को हिदायत तो अपना माल खर्च करो तबलीग के काम है देखो अल्लाह कितना देता है नंबर टू दीन सीखने सिखाने पर नंबर थ्री अभी पढ़ा उन्हें जविलकुरबा वलामा वलमसाकिन वबनिर व वफिर रकाब। ये छः ये मुतखियों की अलामत बताई देखो मुतकीियों अलामत क्या बताई कि सबसे पहले अल्लाह पे, आखरत पे ईमान रखते हैं फरिश्तों पे, किताबों पे, नबियों पे और पहले ये कहा ये माल खर्च करते हैं इन छः जगहों पे। ज़कुआत बाद में होगा मैं आज यकीन अच्छा कुरान कहते हैं युरुब सदक़ात सदक़े से माल बढ़ता है जूस स कसम खाइए जो सदका देगा उसका माल बढ़ेगा तो मेरे दोस्तों ये तीन चीज़ें सही कर लो अपने दिल के यकीन को सही कर लो नमाज़ में रोजाना आजकल हम पाँच सौ दफ़ा रब पढ़ते हैं अलहमदुल्लह रबिल आलमिन दिल अल्लाह को रब मानता नहीं कि मेरे बगैर अल्लाह कैसे पालेगा हाँ मैं मर जाऊँगा फिर तो अल्लाह रब है एक बच्चा जा रहा है तो भाई मैंने उसको पूछा कहाँ जा रहा है कहता तो दुबई जा रहा हूँ मैं कहाँ ठहरेगा क्या मेरे चचा हैं मैं कहा चाचा ना हुए कहा मामू भी हैं मामू ना खालू भी हैं मैं कहा तीनों ना हुए कहा सईद भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनके पास मैं कहा दोस्त भी ना हुए कहाँ मेरे पा क्रेडिट कार्ड है होटल ले लूँगा मैं कहा तेरी जेब कट गई फिर अल्लाह भी तो मालिक है कितनी देर बाद अल्लाह मालिक होता है रब आलमीन पढ़ रहा है दिल मान निरा अल्लाह रब है रुकू में जाता है मेरा रब अल्लाह रुकू उठता है हमारा सबका रब अल्लाह लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं जो अल्लाह को रब बना ले इस पर डट जाए इन लदी न कलू रब बन सुब मस्त दुनिया में अल्लाह उसके साथ फरिश्ते कर देंगे तो इसलिए भाई ये तकवे का महीना है तकवा आता है आमन तकुल्ल को मदकीन नेक लोगों के साथ बैठने से तकवा आता है तो कोशिश करें इस रमज़ान के महीने में ये मजालिस आपकी लगती है माशाल्लाह आठ रकात के बाद मजालस में बैठें दीन के ईमान के हलके में बैठें तालीम कुरान हदीस की तालीम में बैठें अपना जिक्र अपने दो नफिल रमज़ान में एक दो नफिल किसके बराबर हैं फ़र्ज के बराबर पूरी दुनिया के दो बिलियन मुसलमान नफिल पढ़ लें एक मुसलमान के दो फर्ज के बराबर नहीं हो सकता आज रमज़ान में अल्लाह ने क्या सेल लगाई है नफिल पढ़ो फ़र्ज का सवाब दूंगा एक दफ़ा सराय यासीन पढ़ें हदीस में आता है दस कुरान तिलावत का सवाब रमज़ान में कितने हो गए सात सौ कुरान खत्म होते हैं तीन दफा सूरह इखलास पढ़ो एक कुरान की तिलावत का सवाब रमज़ान में सत्तर कुरान दस दफा सूरह इखलास पढ़ो जन्नत में एक महल रमज़ान में सत्तर महल बना सकते हो कुरान में वैसे किसी को फ़िरौन वही फ़िरौन वो चमाट मार देगा कुरान में नमाज़ में फ़िरौन पढ़ो पाँच सौ नक मिलेगी किसी को खंजीर तो वो मार देगा कुरान में खंजीर पढ़ो अल्लाह पाँच सौ निकी देगा तो भाई ये सेल वाला महीना है है ना हमारे यहाँ कराची में ना जब रमज़ान जाता फायरिंग होती है शुक्र रमज़ान गया तो भाई ये तो तकवा आया नहीं इसलिए भाई इनशा अल्लाह से दुआ भी करें दीन आता है सोबत के साथ इन मस्जिद में बैठे मसाजिद को आबाद करें और यही आमाल घर में भी करें ठीक है ना इन शह खुश करेंगे अल्लाह ताल मल की तोफ़ी कतः हमें सुबह ल हमदेही सुबह कल बेहमदे नदुल इलांता नस्तल ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا أذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس وسمع الأبرار يا عزيز ربنا تقبل منا إنك العليم لليم علينا إنك تغريم آمين آمين السلام عليكم